So hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have Priyanshu Kumar with us. Priyanshu, from where are you? Sir, I am from Bihar, Patna. From Bihar, Patna. Great. From Bihar से हो तो क्या mindset था basically 12th के बाद to join Merchant Navy? Sir, actually जब मैं 8th class में था तभी अपने friend के uncle से मिला था. वो तब fleet management में ही थे. उन्होंने इसके बारे में बताया था. तब मैं घर पर अपने मैंने अपने में बॉस बात किया. पापा सपोर्ट नहीं करते थे इसके बारे में. उन्हें नहीं अच्छा लगता था फैमिली से इतने दूर नहीं आ पाओगे. तो फिर मैं अपनी जिद पर रहा एक दो साल. फिर पापा मान गए. बोले कि ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम रिजल्ट लेकर आओ, हम सपोर्ट करते हैं. और बाकी दोस्त लोग से कभी बातचीत किया तो वो लोग मजाक उड़ाते थे इस बारे में. अच्छा, दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे कि नहीं कुछ हो पाएगा, एट लास्ट तुम हमारे साथ ही आओगे, घूमोगे, क्या अलग फील्ड चुनने चले हो, इसमें कुछ नहीं रखा है. ओके, तो आज जब एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, फ्लीट मैनेजमेंट में सिलेक्ट हो चुके हो, तो अभी जब पेरेंट्स को बताया पहले तो फादर को, तो क्या उनका रिएक्शन रहा? फादर को बताया तो मतलब वो तो रोने लगे थे. फिर उसके बाद हम लोग वी आर गेट डिलीवर इन बहुत बढ़िया. उन्होंने पूजा वूजा किया. फिर उसके बाद मम्मी भी खुश हो गई. दैट्स ग्रेट. तो देखो यही चीज़ होती है यार, अभी जो आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको पहले बोलते थे कैच कर रहा है, कुछ नहीं होगा, बोलते होंगे कि यार हमने तो कहा था ये तो हो ही जाएगा, राइट? हाँ, तो अभी दोस्तों से नहीं मिले वहाँ पे? नहीं अभी तो नहीं, अभी IIBCET के बाद से, क्योंकि 50% ही कम हुआ है. यस. तो अभी IIM में भी होगा, चीज़ें बनेंगी. तो अभी कितना टाइम हो गया आपको JMDI अकेडमी में? JMDI में सर मेरे को 8 months हो गए. 8 months हो चुके हैं. सो टू बेस्ट थिंग्स यू वांट टू शेयर अबाउट JMDI अकेडमी. फर्स्ट, टीचर्स आर अवेलेबल एनी टाइम. इवन रात को 2 बजे भी आप मैसेज करो आपको रिप्लाई मिलता है. 2 बजे भी मैसेज करते हो तो भी, मतलब आप 2 बजे तक पढ़ते थे, राइट? हाँ, कभी कोई चीज़ में डाउट आ गया तो 2 बजे भी मैसेज डालो, उधर से रिप्लाई मिलता है. तो रिप्लाई मिलता है. जरा एक बार व्यूअर्स को बताओ, जो व्यूअर्स देख रहे हैं बेसिकली उन्हें लगता है कि यार मैं बस ज्वाइन करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, हार्डवर्क करना पड़ेगा भाई. 2 बजे तक बच्चा पढ़ रहा है तो प्लीज़ वो चीज़ शेयर करो. अगर हार्डवर्क नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे करवा देंगे जबरदस्ती हो जाता है. हार्डवर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है यार. वी वांट योर रिजल्ट्स एंड योर रिजल्ट्स आर टोटली डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क. यू वर्सेज यू ही है यार हमेशा. प्लीज़ जो भी देख रहा है वीडियो ये, मतलब लोग सोचते हैं कि यार नहीं, जस्ट JMDI अकेडमी ज्वाइन हो गया तो चीज़ें बन जाएंगी. बिल्कुल, आपको एक पाथ मिलेगा बट चलना तो खुद ही पड़ेगा. आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट? तो 2 बजे जब आप क्वेरी करते थे तो भी आपको रिप्लाई आ जाता था? रिप्लाई एनी टाइम मिल जाता था मेरे को. एंड सेकंड पार्ट सर, इंटरव्यू से सर बहुत, मैं मतलब CBSE बोर्ड से हूँ लेकिन बिहार से हूँ. वहाँ पर ऐसा मतलब सराउंडिंग नहीं था कि इंग्लिश बोला जाए या फिर कम्युनिकेट किया जाए. बस उतना ही कि बुक पढ़ा और एग्जाम दिया. तो यहाँ पर आने के बाद सर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है. रुद्रा सर बहुत हेल्प कर, जब टाइम मिल जाता तब एक्स्ट्रा क्लास ले लेते थे एनी टाइम. सारे हमारे क्वेश्चन चेक करते थे, रिपीट स्ट्रक्चर्स बताते थे, कैसे डिलीवर करना है, हाउ टू बी पर्टिकुलर इन. सो कोई मोमेंट अगर आपको एक याद आ रहा हो अपनी जर्नी में जो आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प आउट किया है? बहुत टाइम जब मैं नीचे इंटरव्यू का तैयारी कर रहा था तो मतलब बोल नहीं पाता था, तो रुद्रा सर मतलब हेल्प करते थे कि हमें अपने दोस्त का समझो और शेयर करो. और फिर उस टाइम प्रॉब्लम होता था क्वेश्चन सब करने में, तो सर बेसिक से स्टार्ट करते थे कि डेली लाइफ से स्टार्ट, तो दोस्त की तरफ से चीज़ें शेयर करना सीखो. फिर उसको फिर प्रॉपर वे में बताते थे कैसे स्ट्रक्चर करो, कैसे करो, ये सब चीज़ें याद है. तो उसका आपने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया, राइट? तो इंडिविजुअल अटेंशन जो बोला जाता है वो कहीं ना कहीं आपको पूरी फील हुई है, पूरा मिला है, राइट? तभी एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया. बट अभी बेटा जर्नी स्टार्ट हुई है, अभी ऐसा नहीं कि जर्नी एंड हो गई, एकेडमिक्स निकल गया, चीज़ें बन गई. तो अभी जब कॉलेज में जाओगे फिर शिप में जाना है, तो अभी जर्नी एक्चुअल स्टार्ट होगी आपकी. और वहाँ पर कैसा परफॉर्म करोगे वही बताएगा कि आपकी जो एकेडमिक जर्नी थी वो वर्थ इट हुई है या नहीं हुई है, राइट? तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं बेटा, जो बिहार से हैं एंड ऑल ओवर इंडिया से, जिनको JMDI अकेडमी ज्वाइन करना है या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, उनको क्या एक मैसेज आप देना चाहोगे? सर मैसेज ये है कि फर्स्ट आप ये फील्ड के बारे में जानोगे तो आपको लगेगा कि कप ऑफ टी है, बहुत आसान है. लेकिन ऐसा नहीं है. एक बार इस फील्ड में तो कॉम्पिटिशन यहाँ भी है, प्रिपरेशन यहाँ भी करनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा अब टफ कॉम्पिटिशन हो गया है, पर इतना हार्ड नहीं है एक्चुअली. थोड़ा बहुत से भी हो जाएगा, पर स्मार्ट वर्क साथ में लाइए, हार्ड वर्क के साथ हो जा सकता है इसमें भी. Sure, that's great. All the best. Thank you so much.